हेलो एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर ऑपरेटर के बारे में सी लैंग्वेज के। तो आज आज का सेशन है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और मैं यहाँ पे एग्जांपल भी दूंगा और आपको टर्बो सी में इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि कैसे हम प्रोग्राम को बनाते हैं। ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी से किसी भी वैल्यू को हम इंक्रीज करते हैं, किसी भी वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या समझना उस चीज देखिएगा ध्यान से, ठीक है। सी लैंग्वेज में दो महत्वपूर्ण ऑपरेटर होते हैं, ये देखो आपको दिख रहा है प्लस प्लस वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट, और माइनस माइनस वाला। तो किसी वेरिएबल के मान को क्रमशः एक जोड़ने या एक घटाने के लिए करते हैं, ठीक है। क्या होता है जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, ये किसी भी वैल्यू में एक जोड़ेगा और एक घटाएगा, ठीक है। देखो ये जो आगे जो आप दिखता है x प्लस प्लस, यानी किसी भी वैल्यू के आगे जो प्लस प्लस हो उसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट, और इसके जो पीछे हो तो उसको प्री बोलेंगे, ठीक है। और जो x माइनस माइनस होगा इसको बोलेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट, और x माइनस 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 x होगा तो प्री डिक्रीमेंट। देखो इसको आसान तरीका याद करने का, पहले देखो कोई भी बंदा एडमिशन लेता है प्री में लेता है, फिर उसके बाद ही पोस्ट ग्रेजुएशन करता है ना, तो ख्याल रखना प्री के बाद ही पोस्ट आता है, ओके। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ना, और देखो यहाँ लिखा है, देखो दोनों का मतलब है इंक्रीमेंट करना, लेकिन इनका जो सिंबल है सिंबल चेंज है, इसका प्लस प्लस आगे है और इसका पीछे है ना, तो पोस्ट मतलब आगे रहेगा और प्री मतलब पीछे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, डिक्रीमेंट मतलब घटना, मतलब क्या कि एक्स की वैल्यू आए और फिर एक्स की वैल्यू में जुड़ जाए, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है पहले वैल्यू जुड़ेगी फिर काउंट होगा, ठीक है, इसका अर्थ ये हो जाता है। फिर पोस्ट डिक्रीमेंट में, डिक्रीमेंट मतलब घटना, पहले पोस्ट आएगा फिर फ्री आएगा, ठीक है, इतना क्लियर आपको, ओके। चलिए हम इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, लिखा है वैप टू प्रिंट स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर, कह रहा है कि इसमें से हम कुछ स्मॉल लेटर प्रिंट करेंगे और कैपिटल लेटर प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया गया इंक्लूड स्टूडियो इंक्लूड कोन्यू डॉट एच वर्ड मेन INT, यहाँ पे एक वेरिएबल दिया गया है प्रिंट ऑफ कैपिटल लेटर आर, और फॉर यहाँ पे लूप चलाएंगे। देखो यहाँ पे फॉर स्टेटमेंट का यूज किया गया है, ठीक है, आपको मैं स्टेटमेंट पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका इसके बाद नेक्स्ट वीडियो स्टेटमेंट का ही रहेगा। देखो यहाँ लिखा है I-65, ये 65 क्या है समझो, इसको जो हमारा पास ASCII कोड होता है ना, ASCII कोड की बात कर रहे हैं हम, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो कोड होता है कीबोर्ड में वो 65 से स्मॉल लेटर आता है और 91 से आता है कैपिटल A। आपको अगर देखना है तो आप एक्सेल ओपन करो और लिखो इजिकल टू कोड, कोड लिख करके ए प्रेस करो, इस्तेमाल इंटर करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक होता है कैर, इजिकल टू कैर लिख करके ब्रैकेट में डालो 97, आपको मिल जाएगा कैपिटल लेटर तुरंत, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम सी को प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम सी का इस्तेमाल करते हैं। आपको बताया कि हम लोग परसेंटेज डी का इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए, डी के लिए, ठीक है ना, मतलब इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम लोग परसेंटेज डी का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सी और आई की वैल्यू जो होगी वो स्मॉल लेटर प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर है एक लूप और चलाएंगे 97 वाला, यानी 123 तक चलेगा, यानी अल्फाबेट ए से लेकर के जेड तक आएगा पूरा पूरा 123 तक, ठीक है। इस तरीके से प्रोग्राम पूरा रन करेगा, तो चलिए हम इसको प्रोग्राम को बना के देख लेते हैं, ओके। ये है हमारे पास टर्बो सी, और टर्बो सी पे हम काम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पे हमने फाइल पे क्लिक किया और न्यू पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे एक प्रोग्राम आ जाएगा, एक मिनट, न्यू पे क्लिक किया और ये जो कॉर्नर पर दिख रहा है इस पर क्लिक करके इसको बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे, हम लिखा इंक्लूड, और यहाँ पे हम लगाते हैं क्या studio.h, आपको बता होगा मैंने पिछले सेशन में इसको डिस्कस किया था पूरा पूरा, और हम यहाँ लगाएंगे इंक्लूड conio.h। इससे पहले मैंने और भी ऑपरेटर को कवर किया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं अगर आप, क्योंकि वो जितने भी हैं नोट्स रिलेटेड हैं, क्योंकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ भी सकते हो, आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही हेल्प करेगा। यहाँ से हम वर्ड में हमने लिखा, और इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे, लिखा INT और एक वेरिएबल हमने दे दिया। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हम डबल कोटेड लेते हैं जिसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा, हम लिखेंगे कैपिटल, क्योंकि हमें मैटर प्रिंट करानी है, हम लिखेंगे कैपिटल लेटर आर, और स्टेटमेंट क्लोज हो चुका है, इंटर प्रेस करके नीचे आएंगे
अभी के लिए सॉरी यहाँ पे हमें एक लूप चलाना पड़ेगा जिसे कहते हैं फॉर। फॉर से हम लूप चलाएंगे और हम इसमें क्या लिखेंगे, मैटर लिखेंगे। जैसे हम लिखा आई इज इक्वल टू, आई जो है आई में हमें वैल्यू दे दिया 65 का और आई इज इक्वल टू 65। और यहाँ पे क्या होता है कि इसमें हम जितने भी तीन स्टेटमेंट होते हैं इसमें तीन कंडीशन में, तो इसको हम सेमी कॉलम से सेपरेट करते हैं, ठीक है। और हमने लिखा आई लेस देन इज इक्वल टू 91, सॉरी 91, ठीक है, यानी 65 से 91 तक चले। इसमें क्या होगा, स्मॉल लेटर वाला जो अल्फाबेट होता है वो प्रिंट होगा, उन्हें आई प्लस प्लस कर दिया क्योंकि हमें इसको वैल्यू को बढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हमें आगे की वैल्यू चलानी है, ठीक है, इसलिए हम इसको ब्रेक, अगर ब्रेक कर देंगे तो वहां से प्रोग्राम लॉक हो जाएगा। अब देखो जो हमने लिखा है फॉर, अभी से इसको हमें यहाँ पे प्रिंट करना होगा, लिखेंगे हम प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट क्लोज डबल कोटेड, सॉरी इसके अंतर्गत हम आकर के हमने लिख दिया प्रिंट ऑफ। और एक और चीज ख्याल रखना, परसेंटेज सी का हम इस्तेमाल करेंगे ना, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू के लिए हम सी का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कैरेक्टर की बात करें तो स्ट्रिंग की बात करेंगे हम, ओके। हमने आई प्रेस किया और आई की वैल्यू को हमें प्रिंट करानी है। अब हम लिखेंगे दूसरी वैल्यू, हमने लिखा प्रिंट ऑफ, ठीक है, हमें लिखना होगा प्रिंट ऑफ ओपन क्लोज, और इसमें हम लिखेंगे स्मॉल वैल्यू के लिए, लिखा स्मॉल लेटर। और देखिए एक चीज ख्याल रखना, जो मैटर यहाँ पे लिखा आपने इसका ये पूरा पूरा मैटर है, इतना तक चलेगा, फिर ये दूसरा मैटर रहेगा, ठीक है ना, सेम सेम। एंटर किया आपने, यानी वो ऊपर वाला स्मॉल लेटर के लिए और नीचे, सॉरी ऊपर वाला कैपिटल लेटर के लिए, नीचे वाला स्मॉल लेटर के लिए। अब हम यहाँ पे एक लूप चला लेंगे, जैसे उसके लिए लूप हमने चलाया, लेकिन फॉर, और हमने लिखा आई इज इक्वल टू, क्योंकि जो इसका जो ASCII कोड होता है उसमें 97 से सबका कोड होता है, ठीक है, 97 से हो जाएगा स्मॉल लेटर आता है, हमें स्टेटमेंट से सेपरेट करना है। सेपरेट करने के बाद अब देखो आई लेस देन इज इक्वल टू 123, ठीक है, इसके बराबर चले। और यहाँ पर हमने लिखा आई प्लस प्लस, क्योंकि ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात हो रही है, तो बहुत ही आसान है प्रोग्राम, इसको आप एक बार देख लो अच्छे से और याद भी हो जाएगा, एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि जो ओ लेवल का एग्जाम होता है तो ओ लेवल में क्या है, एक प्रोग्राम दे देगा, बोले इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, या किसी भी डिप्लोमा एग्जाम की बात कर रहे हैं हम, तो वहां भी ये हेल्प करेगा, है ना। हमने लिख दिया परसेंटेज सी, और इसमें हम प्रिंट करा देंगे आई वाली वैल्यू को, यानी स्मॉल के लिए एक कैरेक्टर के लिए, स्मॉल और कैपिटल के लिए। और हमने यहाँ पे क्या किया, लिख दिया गेट सी एच ओपन क्लोज। अब ध्यान देना, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम लोग सी का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो यहाँ पे डॉट सी पी पी है, इसको हमें प्रोग्राम को सेव करना होता है, प्रेस करेंगे F2 और नाम लिख देंगे यहाँ पर प्रोग्राम का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है, हमने लिख दिया इंक्रीमेंट डॉट सी, इसको रन कराना है। देखो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर प्रॉब्लम होगा तो आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है, अगर नहीं होगा तो आप प्रोग्राम को रन करा सकते हो, ठीक है। अब चलो इसको रन करा के देख लेते हैं कि क्या वैल्यू रन हो पा रही है। हम करेंगे क्या, कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करेंगे, हमने प्रेस किया कंट्रोल F9, अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है, देखो ऑटोमेटिक ये गार्बेज वैल्यू दे दिया, देखो यहाँ ध्यान देना, लिखा है कैपिटल लेटर पूरा दे दिया ना, कुछ स्मॉल में दिया है कैपिटल लेटर फिर स्मॉल लेटर, ठीक है, इस तरीके से ये पूरा पूरा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, आपका प्रोग्राम रन हो चुका है, ठीक है।